हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनंत ब्लॉग्स। और अनंत ब्लॉग्स चैनल पे आप सभी को फिर से स्वागत है। और आज हम और एक नए डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और पीछे की तरफ आप देख सकेंगे कि एक फ़ोटो है, इसमें जगन्नाथ प्रभु जी का फ़ोटो है वो। और आज जो डेस्टिनेशन जा रहे हैं और एक नेचर है और वहाँ पे जगन्नाथ भगवान विराजमान भी है। दो चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो पाताली श्रीक्षेत्र नाम से जाना जाता है और क्या व्यू आएगा, कैसा दिखेगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो उससे पहले मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्या देखने के लिए मिलता है और किस टाइप का नेचर है। तो अभी का सीन ये है कि हम उलुंडा से होके हम आए इधर 12 किलोमीटर अंदर और अभी हम एक चौक पर रुके हैं। तो यहाँ पे एक भैया बोले कि यहाँ से और कुछ देर और एक किलोमीटर होगा पाताली से क्षेत्र, वहाँ से पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी हैं एक चौक पे और ये देख सकेंगे हम मेरे से राइट साइड तरफ ये जो रास्ता गया है ये पाताली श्री क्षेत्र की तरफ गया है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। अभी का सीन ये है कि हम पहुंच चुके हैं पाताली श्री क्षेत्र और पहाड़ के जस्ट बगल में है और ऊपर हम इधर ये जो रास्ता गया है हम पैदल जाएंगे क्योंकि बाइक शायद नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत फिसलन भरा जगह है। तो हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं और ये बैक साइड का नज़ारा आप कुछ देख सकते हैं इस टाइप का है। और चलते हैं ऊपर की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। और कुछ टाइम ऊपर चढ़ने के बाद जो व्यू पीछे का दिख रहे हैं बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा है पीछे का सीन। और कुछ 500 मीटर ऊपर चढ़ के ये सीन दिखने के लिए बहुत इजीली आपको मिल जाएगा और आगे चलने के बाद तो और बहुत ब्यूटीफुल जगह मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे और ऊपर चलते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। और शायद वॉइस मेरा थोड़ा बैठ गया है तो आप सभी को थोड़ा रिक्वेस्ट है कि एडजस्ट कर लेना क्योंकि वॉइस थोड़ा सर्दी के कारण बैठा हुआ है। और बिना रेस्ट के हम चले आए हैं ब्लॉगिंग के लिए और फिलहाल आज सोलो ट्रैवलिंग है, सोलो ब्लॉगिंग है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। और कुछ टाइम ऊपर चढ़ने के बाद जो चीज़ देखने के लिए मिला वो उम्मीद से बाहर था। और पहाड़ के ऊपर एक घर देखने के लिए मिल गया और हमें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक घर भी होगा। जैसे कि पिछले ब्लॉग में देख चुके होंगे कि बोंडा घाटी गए थे, पहाड़ के ऊपर बहुत सारे बोंडा देखने के लिए मिल गए थे। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ बोंडा घाटी के बारे में कि वो एक साउथ अफ्रीकन थे, बहुत 666 AD में आ चुके थे वो लोग। वो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था पिछले ब्लॉग में तो आज दे दिया हूँ मैं। और जो पीछे का सीन ये वाला है बहुत बहुत खूबसूरत है। तो आप आइए पाताली से क्षेत्र की तरफ और ये नेचर का एंजॉय कीजिए।
अब हम पाताली सिंह क्षेत्र के बहुत टॉप पॉइंट पे हैं और यहाँ पे आके बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख गया है और मेरे वॉइस में भी थोड़ा बहुत जान आ चुका है और ब्लॉगिंग का आनंद लीजिए। थोड़ा सा थकावट हो रहा है बट नेचर को देख के वो एनर्जी आ चुका है, जैसे कि मुझे हर ब्लॉग में आता है इस टाइप का एनर्जी। और नेचर देखने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और जो बैक साइड का व्यू अगर आप देखेंगे तो वो जो घर देख रहे हैं बहुत पहले दिखा चुका था आप लोगों को, वो घर वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ भोजी भी चल रहा था। और जो बैक साइड का नज़ारा, बैक साइड का व्यू बहुत खूबसूरत है, आप लोग एंजॉय कीजिए। जैसे ही मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ बस पहाड़ ही पहाड़ देखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पे। और देवमाली पर्वत जैसे गया था मेरे पिछले ब्लॉग में, उतना भी डिफिकल्ट नहीं था वो देवमाली पर्वत, ये जितना डिफिकल्ट लग रहा है। और यहाँ पे आंटी जी आए हैं, एनर्जी को मानना पड़ेगा इतने बड़ा पहाड़ चढ़ के। आंटी जी बोल रहे हैं कि और बहुत खतरा है बट भगवान जी बुला लिए हैं इधर देखने के लिए। आंटी मुझे सावधान किए कि बहुत खतरा है यहाँ पे, और देखते हैं आगे क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है ये भी देवमाली पर्वत से कुछ कम नहीं है, और जो व्यू यहाँ का वाव, अगर आप देख पा रहे होंगे कि पीछे की साइड बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल नेचर है। और आप लोगों को जैसे पहले बोला था कि आपको यहाँ पे भगवान जी का दर्शन के साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल नेचर भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो बने रहिए और भी सिनेमेटिक ब्लॉग के लिए। मैं जैसे गुफा के नीचे जा रहा था गुफा के पास, तो बहुत डेंजर जगह है नीचे उतरने के लिए, तो आप लोगों को जैसे मैं पहाड़ के तरफ ब्लॉग के लिए जाता हूँ तब आप लोगों को अलर्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छा सा शू पहन लीजिए जो कि ट्रैकिंग वाला होगा, थोड़ा बीट भी अच्छा होगा। और देखिए किस टाइप का डेंजर जगह है, ये है, ये ही वो रास्ता है वो जो गुफा की तरफ आप जाने के लिए, और गुफा और भी थोड़ा नीचे है और यहाँ पे बहुत डेंजर है उतरने के लिए।
मैं थोड़ा संभल के नीचे उतर रहा हूँ और बहुत डेंजर है नीचे जाने के लिए। तो गुफा कितने दूर है तो ये मुझे पता नहीं है, पर देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ था कि 300 मीटर नीचे है और 300 मीटर आप लोगों को इस टाइप का मिल जाएगा। और ये जगह आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये पाताली शिखर नाम से जाना जाता है। और हम आई थिंक पहाड़ के पास आ चुके हैं, है ना भैया? या ब्रो। गुफा के पास आ चुका हूँ और पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं वो पीछे साइड का वो नेचर, और मेरे जो यहाँ का जो पीछे साइड का नज़ारा है ये एक्चुअल वो जो पाताली श्रीक्षेत्र है। पाताली श्रीक्षेत्र इसलिए बोलते हैं कि ये पाताल से होके आई थिंक वो पुजारी बोलेंगे कि कहाँ पे ये निकला है ये गुफा, तो बाद में पता चल जाएगा या फिर पुजारी जी से मैं बात करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दूंगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे अंदर पे जाने का कोशिश करता हूँ, क्या चीज़ दिखने के लिए मिलेगा या फिर कुछ क्या दिखने के लिए मिलेगा। और मैं जैसे दूर तक देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे जगन्नाथ भगवान है, तो आपको जगन्नाथ भगवान का दर्शन करवा लेता हूँ। और जो लोग भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने आप लोग का भाई इतना मेहनत कर रहा है, इतना पहाड़ इतना रिस्क उठा रहा है कि और खुद को भी एंजॉय हो रहा है कि एक पहाड़ पे आ चुके, बहुत एंजॉय मिल रहा है और बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ पे आके। मेरा वॉइस भी थोड़ा बैठा हुआ था तो यहाँ पे आके थोड़ा एनर्जी आ चुका है बोलने का। और जैसे कि नेचर लवर हूँ और पहाड़ देखते ही जैसे कि बहुत अच्छा लगता है, तो अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पे। तो मैं अब अंदर जा रहा हूँ और बहुत छोटा सा गुफा है और सुरंग बोल सकते हैं इसको। मैं थोड़ा बैठ के जा रहा हूँ क्योंकि उठूँगा तो यहाँ पे सर भी लग सकता है। और वो जो आप दूर पे देख सकते हैं भगवान जी है वहाँ पे, जगन्नाथ भगवान और सुभद्रा और बलभद्र जी हैं गुफा के अंदर। और ये पाताली सीखे तो बोलते हैं पाताल से होके आई थिंक पूरी से मिला हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं। और मैं बाद में पता चल जाएगा और कहाँ से मिलता है। झरना की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे और एक झरना है पाताली क्षेत्र पे। जब 4 साल पहले आया था इधर मुझे कोई झरना देखने के लिए नहीं मिला था, या फिर मैं दूसरी जगह गया था शायद, ये तो नहीं था या फिर पता नहीं था, मैं देख नहीं पाया था। और ये हम पहुँच गए हैं झरना की तरफ। हालांकि यहाँ पे झरना का पानी बंद है अभी थोड़ा पानी नहीं आ रहा है, और नहीं तो बहुत अच्छा खासा झरना है यहाँ पे। बारिश का सीज़न आई थिंक देखने के लिए मिल जाता होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है दया करी झरना पानी ओठा करंतु नहीं, मतलब यहाँ पे पानी झूठा मत करना क्योंकि बहुत लोग पानी पीते हैं यहाँ का। और ये झरना देवझरन नाम से जाना जाता है और आगे बड़ा झरना है, बट अभी पानी नहीं है तो
मैं अभी यहाँ से निकल जा रहा हूँ घर की तरफ, तो आगे मिलते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। आज बहुत बड़ा सा पहाड़ हमको चढ़ने के लिए मिल गया और ये पहाड़ चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है, और वो पुजारी लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिए, आप लोग देख पाए होंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ यहाँ पे आके, नेचर विद भगवान जी से भी दर्शन हो गया। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। और हम अभी निकल जा रहे हैं, और उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।